नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डबल ए न्यूज़ पर लाइव। और आज की वर्तमान सुबह की झमाझम बरसात के कारण मैं आपको ताज़ा तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये आप देख सकते हैं तिमारपुर विधानसभा के जगतपुर गांव की स्थिति हो रखी बदहाल। वहीं अगर हम बात करें तो तिमारपुर विधानसभा का वजीराबाद गांव जो लगातार सुर्खियों में रहा है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं पूरे वजीराबाद मेन रोड का इतना बुरा हाल हो चुका है कि तस्वीरें दिखा दिखा के प्रशासन आज तक नहीं जाग पाया। और मैं अगर बात करूं बरसात की तो आज की बरसात पहले की बरसातों से काफ़ी तेज़ रही है और झमाझम बरसात आज भी जारी है। जहां मैं दिखाना चाहूँ, यहां आप देख सकते हैं लोगों की दुकानों तक में पानी जा रहा है। जो ऊँची दुकानें हैं उनको पानी से रुकाव के लिए उपाय सोचने पड़ रहे हैं। और जहां हम बात करें इस मेन रोड वजीराबाद की, तो पिछले 10 सालों से इसकी इतनी भयंकर दुर्गति हो चुकी है कि जहां आप देख सकते हैं सामने दुकानों तक पानी पहुंचा हुआ है। जब भी कोई गाड़ी यहां जाती है तो लोगों की दुकानों में पानी धड़ाधड़ भरता है। और ये ताज़ा तरीन तस्वीरें मैं आपको वजीराबाद गाँव की दिखा रहा हूँ। जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ तक दूर दूर तक आपको पानी ही पानी मिलेगा, क्योंकि आज की जो बरसात हुई है, मैं आपको दिखाना चाहूँ आज की जो बरसात हुई है, उस बरसात से एक तरीके से स्विमिंग पूल की स्थिति आज हमारे वजीराबाद गांव की बन चुकी है। और जो वजीराबाद का मेन रोड है, मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है वहाँ तक पानी ही पानी है। लगभग 1 किलोमीटर के दरमियान में पूरे मेन रोड पे 2 से 2.5 फीट पानी भरा हुआ है। और जहां सरकारें बड़े बड़े दावे कर रही हैं नाले साफ़ कराने को लेकर, चाहे MCD हो चाहे दिल्ली सरकार हो, लेकिन स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है। इन वीडियो की मार्फत आप देख सकते हैं इसका ज़िम्मेदार कौन है, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि या सरकारें? क्योंकि राजधानी दिल्ली को जिस हिसाब से बनाने की बात सरकारें कर रही थी, तो कहीं ना कहीं आप ये स्थिति देख सकते हैं कितनी दुर्दशा आज इन एरियों की हो चुकी है। जहां तक आप देखेंगे, मैं अगर बात करूं हनुमान चौक टी पॉइंट से लेकर वजीराबाद 12 नंबर गली तक लगभग 1.25 किलोमीटर का एरिया है, जो लगभग 2.5 फीट के आसपास का पानी पूरी रोड पर भरा पड़ा है। और सुबह का टाइम है, अभी लोगों का निकलना चालू हुआ है, क्योंकि आज संडे का दिन है। इस कारण आप देख सकते हैं स्थिति किस तरीके विकराल हो चुकी है, जहां दुकानों के अंदर पानी भर रहा है। ये ताज़ा तरीन तस्वीरें मैं आपको वजीराबाद गांव की दिखा रहा हूं, जहां आप देख सकते हैं कितना विकराल रूप ये ले चुका है पानी। क्योंकि अगर हम बात करें तिमारपुर विधानसभा की, तो ये एक ऐसी विधानसभा है जहाँ के विधायक दिलीप पांडे हैं, सांसद मनोज तिवारी हैं, निगम में कांग्रेस है, तो तीनों पार्टियां की हिस्सेदारी है इस समस्या को लगातार बढ़ाने में। क्योंकि पिछले 10 सालों से यही स्थिति इस रोड की हो चुकी है, जिसके कारण इस वजीराबाद गांव को हम वजीराबाद गांव ना कहकर एक पिछड़ा गांव भी कह सकते हैं। जो हालात उत्तर प्रदेश बिहार के गाँव के होते हैं, उससे बदतर स्थिति वजीराबाद की इस मेन रोड की हो चुकी है। और अगर हम बात करें सरकारी सुविधाओं की, तो आप सरकारी सुविधाओं के हिसाब से यहाँ देख सकते हैं क्या स्थिति, क्या हाल हो रखा है। जहाँ हम बात करें विधायक दिलीप पांडे की, तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी गुस्सा है। देखिए, बुज़ुर्ग महिलाएँ हैं, सुबह सुबह राशन का सामान लेने दुकानों पर आई हैं, लेकिन किस तरीके से उनको असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदार लोग स्वयं सामान रोड पे पहुंचा के दे रहे हैं। तो ये ताज़ा स्थिति वजीराबाद गांव की मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां आप ये देख सकते हैं बुज़ुर्ग महिला किस तरीके से निकली हुई है घर से सामान लेने के लिए। लेकिन वर्तमान स्थिति इतनी विकराल हो चुकी है वजीराबाद की कि लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। कई घरों में पानी भरा हुआ है। अगर मैं बात करूँ वजीराबाद 9 नंबर की, तो वहाँ की स्थिति तो इससे भी भयावह है, क्योंकि लगातार कई दिनों की बरसात से प्रशासन चेता नहीं। कल वहाँ फ्लड एरीगेशन के पंप मंगाए गए हैं, लेकिन अभी वो चल नहीं रहे हैं। अभी मैं उससे भी आपको
दिखाऊंगा। और ये स्थिति है वज़ीराबाद मेन रोड की, जहां दुकानदार लोग स्वयं पानी में निकल निकल कर ग्राहकों को सामान देने के लिए विवश हो रहे हैं। कारण आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो वर्तमान स्थिति आज हो चुकी है, इसका जिम्मेदार है कौन? सबसे बड़ी जांच की बात यह है, क्योंकि तो सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार पर, दिल्ली आम आदमी पार्टी एमसीडी पर आरोप लगा रही है और एमसीडी दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है, लेकिन बीच में पिस रही है दिल्ली की जनता। जो दिल्ली की जनता लगातार इन बरसात में किस कदर, आप ये देख सकते हैं, एक तरीके से स्विमिंग पूल आज ये बन चुके हैं राजधानी दिल्ली के अलग अलग एरिए। ये ताज़ा तस्वीरें मैं आपको तिमारपुर विधानसभा के दिखा रहा हूँ, जहाँ के हालात बहुत ही भयावह हो चुके हैं। और आप ये देख सकते हैं, लोग जो घरों से सामान लेने के लिए निकल रहे हैं, उनको किस स्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। आप ये लाइव तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये राजधानी दिल्ली के हाल हैं। और एक ऐसी विधानसभा जो दूर दूर तक चर्चा में रही है, तिमारपुर, जहाँ के विधायक दिलीप पांडे हैं, जो डिजिटल विधायक के नाम से पूरी दिल्ली में जाने जाते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की हालात आज वज़ीराबाद गांव की हो चुके हैं। वज़ीराबाद गांव की बात करूँ, संगम विहार की बात करूँ, या मैं 9 नंबर की बात करूँ, कमोवेश यही स्थिति पूरी तिमारपुर विधानसभा की ओर चुकी है। चाहे मैं तिमारपुर मेयर हाउस की बात करूं, या टीचर कॉलोनी की बात करूं, या तिमारपुर अथॉरिटी के सामने के एरिए की बात करूं, सभी जगहों की यही दुर्दशा हो सकती है। मैं कैमरा जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा, आप ये देख सकते हैं दूर से जो एक कार भी आ रही है, तो कितनी डूबी हुई है कार, ये आप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं, ये स्थिति आज हमारे तिमारपुर विधानसभा की वज़ीराबाद गांव की हो चुकी है। लोगों को इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है कि सरकारें दावे तो बड़े बड़े कर रही हैं, लेकिन जो हालात आज यहां हो चुके हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। देखने वाली बात होगी कि सरकारें कब तक इस व्यवस्था से लोगों को बाहर निकाल पाएंगी, क्योंकि जो हालात और जो व्यवस्थाएं आज वज़ीराबाद की हो चुकी हैं, बात अगर पीने के पानी को करें तो नहीं है। और इस तरीके का पानी जो आ भी रहा है, वो गंदा, काफ़ी गंदा पानी आ रहा है। और ये जो ताज़ा तरीन स्थिति आप देख रहे हैं, इसमें क्षेत्र के लोगों में गुस्सा है, महिलाओं में, युवाओं में, सभी में काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि ये स्थिति काफ़ी भयंकर स्थिति हो चुकी है। ये लाइव तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, डबल ए न्यूज़ के माध्यम से ताज़ा तरीन स्थिति आप देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं लोगों को कितनी परेशानियों के बीच से गुजरना पड़ रहा है। ये आपको ताज़ा तरीन तस्वीरें वज़ीराबाद गांव, ये आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ताज़ा तरीन स्थिति आज वज़ीराबाद गांव की हो चुकी है। लोग परेशान हैं, सोच रहे हैं जाएं तो जाएं कहां, छाता हाथ में ले रखा है, लेकिन आप ये देख सकते हैं, मैं आपको इन स्थितियों से भी अवगत करवा रहा हूं। ये
काम पे भी जाना है लोगों को, जो प्राइवेट जगह काम करने वाले लोग हैं वो किस तरीके से मजबूर हैं निकलने को।